न्यायों की पुस्तक अध्याय 19 न्यायों की पुस्तक अध्याय 19 बिन्यामिनियों के पाप में पड़े रहने और प्रायः नाश किए जाने की कथा। उन दिनों में जब इसराइलियों का कोई राजा न था, तब एक लेवीय पुरुष एप्रेम के पहाड़ी देश की परली ओर परदेशी होकर रहता था, जिसने यहूदा के बेतलहेम में की एक सुरैतीन रख ली थी। उसकी सुरैतीन व्यभिचार करके यहूदा के बेतलहेम को अपने पिता के घर चली गई और 4 महीने वही रही। तब उसका पति अपने साथ एक सेवक और 2 गधे लेकर चला और उसके यहां गया कि उसे समझा बुझाकर ले आए। वह उसे अपने पिता के घर ले गई और उस जवान स्त्री का पिता उसे देखकर उसकी भेंट से आनंदित हुआ। तब उसके ससुर अर्थात उस स्त्री के पिता ने विनती करके उसे रोक लिया और वह 3 दिन तक उसके पास रहा। सो वे वहां खाते पीते टिके रहे। 4थे दिन जब वे भोर को सवेरे उठे और वह चलने को हुआ, तब स्त्री के पिता ने अपने दामाद से कहा, एक टुकड़ा रोटी खाकर अपना जी ठंडा कर, तब तुम लोग चले जाना। तब उन दोनों ने बैठकर संग संग खाया पिया। फिर स्त्री के पिता ने उस पुरुष से कहा, और 1 रात टिके रहने को प्रसन्न हो और आनंद कर। वह पुरुष विदा होने को उठा, परंतु उसके ससुर ने विनती करके उसे दबाया, इसलिए उसने फिर उसके यहां रात बिताई। 5वें दिन भोर को वह तो विदा होने को सवेरे उठा, परंतु स्त्री के पिता ने कहा, अपना जी ठंडा कर और तुम दोनों दिन ढलने तक रुके रहो। तब उन दोनों ने रोटी खाई। जब वह पुरुष अपनी सुरैतीन को और सेवक समेत विदा होने को उठा, तब उसके ससुर अर्थात स्त्री के पिता ने उससे कहा, देख दिन तो ढल चला है और सांझ होने पर है, इसलिए तुम लोग रात भर टिके रहो। देख दिन तो डूबने पर है। सो यही आनंद करता हुआ रात बिता और बिहान को सवेरे उठकर अपना मार्ग ले और अपने डेरे को चले जाना। परंतु उस पुरुष ने उस रात को टिकना न चाहा, इसलिए वह उठकर विदा हुआ और काठी बांधे हुए 2 गधे और अपनी सुरैतीन संग लिए हुए यबूस के सामने तक, जो यरूशलेम कहलाता है, पहुंचा। वे यबूस के पास थे और दिन बहुत ढल गया था कि सेवक ने अपने स्वामी से कहा, आ हम यबूसियों के इस नगर में मुड़कर टिके। उसके स्वामी ने उससे कहा, हम पराये नगर में जहां कोई इसराइली नहीं रहता न उतरेंगे, गिबा तक बढ़ जाएंगे। फिर उसने अपने सेवक से कहा, आ हम इधर के स्थानों में से किसी के पास जाए, हम गिबा व रामा में रात बिताए। और वे आगे की ओर चले और उनके बिन्यामिन के गिबा के निकट पहुंचते पहुंचते सूर्यास्त हो गया, इसलिए वे गिबा में टिकने के लिए उसकी ओर मुड़े और वह भीतर जाकर उस नगर के चौक में बैठ गया, क्योंकि किसी ने उसको अपने घर में न टिकाया। तब एक बूढ़ा अपने खेत के काम को निपटाकर सांझ को चला आया। वह तो एप्रेम के पहाड़ी देश का था और गिबा में परदेशी होकर रहता था, परंतु उस स्थान के लोग बिन्यामिनी थे। उसने आंखें उठाकर उस यात्री को नगर के चौक में बैठा देखा और उस बूढ़े ने पूछा, तू किधर जाता और कहां से आता है? उसने उससे कहा, हम लोग तो यहूदा के बेतलहेम से आकर एप्रेम के पहाड़ी देश की परली ओर जाते हैं, मैं तो वही का हूं और यहूदा के बेतलहेम तक गया था और यहोवा के भवन को जाता हूं, परंतु कोई मुझे अपने घर में नहीं टिकाता। हमारे पास तो गधे के लिए पुआल और चारा भी है और मेरे और तेरी इस दासी और इस जवान के लिए भी जो तेरे दासों के संग है रोटी और दाख मधु भी है, हमें किसी वस्तु की घटी नहीं है। बूढ़े ने कहा, तेरा कल्याण हो, तेरे प्रयोजन की सब वस्तुएं मेरे सिर हो, परंतु रात को चौके में न बिता। तब वह उसको अपने घर ले चला और गधों को चारा दिया। तब
वे पांव धोकर खाने पीने लगे। वे आनंद कर रहे थे कि नगर के लुच्चों ने घर को घेर लिया और द्वार को खटखटाकर खटखटाकर घर के उस बूढ़े स्वामी से कहने लगे, जो पुरुष तेरे घर में आया है उसे बाहर लिया कि हम उससे भोग करें। घर का स्वामी उनके पास बाहर जाकर उनसे कहने लगा, नहीं नहीं हे मेरे भाइयों, ऐसी बुराई न करो। यह पुरुष जो मेरे घर पर आया है इससे ऐसी मूर्ता का काम मत करो। देखो यहां मेरी कुंवारी बेटी है और उस पुरुष की सुरैतिन भी है, उनको मैं बाहर ले आऊंगा और उनका पतपानी लो तो लो और उनसे जो चाहो सो करो, परंतु इस पुरुष से ऐसी मूढ़ता का काम मत करो। परंतु उन मनुष्यों ने उसकी न मानी। तब उन पुरुषों ने अपनी सुरैतिन को पकड़कर उनके पास बाहर कर दिया और उन्होंने उससे कुकर्म किया और रात भर क्या भोर तक उससे लीला क्रीड़ा करते रहे और पह फटते ही उसे छोड़ दिया। तब वह स्त्री पह फटते हुए जाके उन मनुष्यों के घर के द्वार पर जिसमें उसका पति था गिर गई और उजियाले के होने तक वही पड़ी रही। सवेरे जब उसका पति उठ घर का द्वार खोल अपना मार्ग लेने को बाहर गया तो क्या देखा कि मेरी सुरैतिन घर के द्वार के पास डेवड़ी पर हाथ फैलाए पड़ी हुई है। उसने उससे कहा, उठ हम चले। जब कोई न बोला तब वह उसको गधे पर लाद कर अपने स्थान को गया। जब वह अपने घर पहुंचा तब छुरी ले सुरैतिन को अंग अंग अलग करके काटा और उसके 12 टुकड़े करके इसराइल के देश में भेज दिया। जितनों ने उसे देखा वे सब आपस में कहने लगे, इसराइलियों के मिस्र देश से चले आने के समय से लेकर आज के दिन तक ऐसा कुछ कभी नहीं हुआ और न देखा गया। सो इसको सोचकर सम्मति करो और बताओ।